क्या इस घर में कोई अपनी माँ की कसम झूठी खा सकता है? हालांकि अगर मेरे मुझे ये सवाल पूछा जाए तो मैं तो बोलूँ कि नहीं, क्योंकि मैं भी माँ की कसम झूठी नहीं खा सकती। और आई होप आप लोग भी अपनी मम्मी को बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे, और सभी लोग करते हैं यार। तो यहाँ पर जो है, एक बार फिर से चोरी हुई है मुनावर फारूखी के मकान में। मुनावर और ईशा जो है दिमाग के रूम में रहते हैं, जहाँ पर पता चलता है कि तहलका कप में कॉफी पी रहा है। कॉफी उसके पास आई कहाँ से? अब कॉफी जब जाके देखा मुनावर और ईशा ने, तब उनके मकान में जो कॉफी का डिब्बा है उसमें से कॉफी कम है। तो उसके बाद पता चला कि भाई ऐसा लगा इन लोगों को कि समर्थ ने ये दी है। तो ईशा ने बोला कि समर्थ ने दी होगी। तो मुनावर ने बोला कि समर्थ यार बता दे, इस चीज़ का हमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसा भाई ये सब चीज़ें नहीं कर सकता। तो समर्थ बोलता भाई मैंने नहीं किया, मैंने नहीं दिया। तो पहले वो हाथ नहीं दिखा रहा होता, क्योंकि हाथ में शायद डाल के उसने दी है। फिर उसके बाद ईशा जो है उसका हाथ स्मेल करती है और बोलती नहीं कॉफ़ी की स्मेल तो आ रही है। तो समर्थ वहां पर अपनी मम्मी की कसम खाता कि मेरी मम्मी की कसम मैंने नहीं दिया। तो ये चीजें तो क्लियर हो गई। और फिर ईशा और जो मुनावर है उसने पूरा घर खंगाला जो दिमाग का था। वहां पर इतनी सी कॉफी जो है पड़ी हुई मिली। अब ये पता नहीं है, और तहलका भी नहीं बता रहा कि आखिरकार वो कॉफी कहाँ से लेके आया। कॉफी जो है दिल के रूम से गायब तो हुई है, पर चुराई है या समर्थ ने दी है इसके बारे में पता नहीं चला। पर अगर समर्थ ने मम्मी का कसम खा ली तो भाई नहीं दी है। और रही बात तहलका की, अगर तहलका ने चुराया है तो बहुत बड़ी बात हो सकती है। अभी ये चीज़ें काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहती हैं जो मैं आप तक लेके आती हूँ, पर ये चीज़ें एपिसोड में नहीं दिखाई जाती। बस लड़ाई दिखा दी जाती है कि भाई इसने चोरी किया है, पर चोरी एक्चुअली में किसने किया है ये चीज़ें दिखानी चाहिए बिग बॉस को। वो मेन जड़ जो है बिग बॉस दिखाते नहीं है, जो कि मैं बोलती हूँ कि एडिटर्स बहुत ज़्यादा गंदे हैं बिग बॉस के, बिग बॉस की टीम बहुत ज्यादा गंदी है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।